टका उधार कर रखा है, दान करना था और याद दिलाइयो सेठ जी कहे कि ब्राह्मण आया है। नौकरों ने जाके कहा कि जी एक ब्राह्मण आया है, आपने कोई टका दान करने की कह रखी होगी। अब नरसी ने सोचा भाई यो अच्छा व्यक्ति साथ साथ आ लिया। सेठ कहने लगा अपने नौकरों से, ये कह दे ब्राह्मण को कि सेठ जी की तबीयत ठीक नहीं है, थक गए हैं, बुखार बन गया है, जबर है, और ठीक हो जाएगा जब दे दूंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा तब दूंगा। नौकरों ने ऐसा ही उत्तर दे दिया। ब्राह्मण कहने लगा ठीक है, मैं यहीं बाग में लेट जाता हूँ, स्वस्थ हो जाएंगे तब सेठ जी मैं अपना दक्षिणा लेके जाऊंगा, बार बार नहीं आ जाता। अब नरसी का बाग था, उसी में परमात्मा ने बिछा लिया बिछौना और लेट गए। अब एक दिन हो गया, दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, सेठ जी माए टट्टी पेशाब करे उड़े बना रखा खड्डा एक उसमें डाल दे। अब तीसरे दिन भी उसने फिर कहा जाकर फिर दस्तक दे दी कि क्या मेरा टका भाई कहो सेठ ने मेरे दक्षिणा देवे। सेठ ने कहा नौकरों से ये कह दो कि सेठ जी की मृत्यु होगी। अब लाला जी ने सोची आज यो एक टके की जिद लगा रहा है, कल ने मन माने 100 रुपये की जिद लगा ले, इसने तो रास्ता पा गया है, इसने तो स्ट्राइक कर दी, मैं भी दूं नहीं टका इसको। अब सेठ के बारे में कह दिया नौकरों ने कि सेठ जी की मृत्यु होगी, ब्राह्मण आप जाइए, हमें बड़ा शोक है। ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा बोले भाई मेरा तो यजमान है ये, और बड़ा दुख हुआ मृत्यु होगी, लेकिन अब तो अंतिम संस्कार करा के ही जाऊंगा। अब फिर बैठ गए वरने आगे। अब सेठ जी को जब संदेशा मिला कि उन्होंने ये उत्तर दिया है, तो नरसी कहने लगा नौकरो ऐसे करो, तुम लकड़ियां ले जाना शुरू कर दो चिता की तरफ, कुछ दूरी पर होती थी चिताएं, गांव से बाहर होती हैं, ये यूं सोचेगा कि सचमुच मर गया, यूं चला जाएगा। अब उन्होंने लकड़ियां उठानी शुरू कर दी, लकड़ियां ढोने लगे तो भगवान वहीं बैठा रहा कि गया नहीं, एक ना जी नहीं गया, वो तो बैठा है, मेरी अर्थी बना लो। वो बना लिया जनाजा और दर लिया सेठ को मर्द के शव की तरह, और कहने लगा ले चलो मुझे चिता पर। अब चिता पर लकड़ी भी रख दी, सेठ का वो जीवित सेठ भी रख दिया मर्द के तरह ले गए थे, परमात्मा ने भी ले लिया की करगा लठ और कंधेव दर लिया लकड़ी ले, अंतिम संस्कार कराने के उद्देश्य से एक लकड़ उठा लिया कि भाई हम भी अंतिम संस्कार में कुछ योगदान करेंगे, और पहुंच गए लकड़ी लेके वहाँ लाला जी दौड़े। अब लाला जी से कहा कि सेठ जी भैया मैंने तेरा टका माफ कर दिया, तू आत्महत्या मत करे। सेठ जी ने बोला साची कह है, कहाँ साची कहूँ भाई, कत्ती तेरा टका माफ कर दी, एक ठीक से तो जा तू अपना काम करे। परमात्मा बोले अच्छा जी मैं चलता हूँ, वो ब्राह्मण रूपधारी परमात्मा चले गए। उधर लाला जी ने सेठ अपने नौकरों से कहा कि सारी लकड़ी ठा लो उल्टी कदे नाश हो जा। वो सारी लकड़ी वापस ले उठवा कर, थोड़ी बहुत बची थी उसने आप ठहरा, इतने टुकड़ा नहीं, इतना कंजूस। और एक लड़की थी उसका विवाह कर दिया था, और आगे कोई पुत्र भी नहीं था, और चीचड़ बना बैठा उसका संग्रह करे बैठा 56 करोड़ संपत्ति ने उत्तर आगे जब। अब सेठ जी ने सोचा लिया वह कई दिन हो गए शहर से पट्टा करे, आ तो दूर तक घूम का आऊंगा। वो अगले दिन सेठ जी तो निकल गया शहर से पट्टे को, पीछे तो परमात्मा नरसी रूप बना के नरसी के घर में प्रवेश कर गया, नौकर नहीं पहचान पाए, और नौकरों से ये बोल दिया भाई आज वो ब्राह्मण था ना ब्राह्मण, वो बहुरूपिया है, आज मेरा रूप बना का होगा, उसको यहाँ से कह देना तू चला जा राजी खुशी।
और नहीं माना तो उसने कह दिए आज तेरा लठ मार देंगे दो चार, या तो तू चला जा। अब वो सेठ आया खूब उतार ही रहा था अपने वापस घूम फिर के, और द्वार पर खड़ा पहरेदार पक्का कर दिया नौकर को। नौकर कहने लगे ओ बे बहु रूपी खड़ा हो जा वहीं पर। नरसी ने सोचा किसी और को बोल रहा, पीछे देखा कि मैं तेरे को कह रहा हूँ। नरसी कहने लगा नौकर का नाम लेकर, अरे करोड़ी तू क्या क्या बक रहा है, अब तू वहीं खड़ा हो जा बस, इतनी ठीक है तेरे लिए। तूने हमारे सेठ के नाक में दम कर रखा है, कभी तू ब्राह्मण बन के आता है, कभी तू नरसी रूप बना लेता है। हमारे एक सेठ अंदर है, उनका आदेश हो गया हाज कि तू अगर ठीक से नहीं मानेगा तेरी टांग तोड़ दूंगा। कौन 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 अंदर है हमारा सेठ। उसने सोची बात बिगड़ गई भाई, वो तो आज मेरा रूप बनाकर अंदर चला गया। अब नरसी ने इसी में भलाई सोची कि तू पट्टे भीगाई अपना वापस हो ले। उसने क्या किया कि कोर्ट में गया और वहाँ अर्जी लगा दी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा कर दिया, एक डुप्लीकेट नरसी बनकर मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। और भाई राजा ने अगले दिन बुला लिया कोर्ट ने कि अभी उसकी सारी बही जप्त कर ली नरसी की, और अगले दिन दोनों को बुला लिया डुप्लीकेट और ओरिजिनल को। अब बही जो एक पैड होती थी रिकॉर्ड होता था उसमें सारा कुछ हिसाब किताब लिखा करते लाला लिखते हैं लाला लोग। तो कोर्ट ने पूछा, जज ने पूछा कि भाई कोई ऐसा प्रमाण बताओ जिससे तुम्हारा असली नकली का हम निर्णय कर सके। इस बही में ऐसी होती थी वह बही, इस नोटबुक में कोई ऐसा प्रमाण बताओ जिससे हम निर्णय कर सके। अब जो ओरिजिनल नरसी था उसने बता दिया जी मैंने लड़की की शादी करी थी उस सम्मत में, और इतने बात के आए थे, इतना मैंने मेरा खर्चा हुआ था, एक मकान बनाया था उसकी भी डिटेल लिख रखी है, ऐसे ऐसे इतना इतना हुआ था। और बता भाई अक और भी और तो मेरा याद नहीं। फिर उप परमात्मा से पूछा कि भी बताओ इसमें कोई प्रमाण तू, क्योंकि वो तो बंद रखी हुई थी। परमात्मा ने कहा जी पहले पृष्ठ से शुरू कर दो, लागे सारी पढ़न एज इट इज। पाँच चार पेज जब ज्यों के त्यों बता दिए, ओरिजिनल को तो डुप्लीकेट सिद्ध कर दिया जज ने, और परमात्मा को ओरिजिनल मालिक बना दिया कि जब यू ओरिजिनल है तो डुप्लीकेट है, भाग जाए से तू झूठ बोल रहा था। अब नरसी तो बैठ गया गांव के गोरे जाके माथे पर ऐसे गोड्या में माथा रख के, और नो सोचा है भगवान या के बनी आज, क्या बनी मेरे साथ, आज शाम की रोटी भी नहीं मेरे पास। और देख ये कौन से धर्म का दुश्मन था। इतने में परमात्मा वहीं आगे ओ ब्राह्मण रूप बना के और कहने लगे सेठ जी सुना क्या हाल है। इन्हों देख के इन्हों वेला दुश्मन या तो जी लेन दे मुझे तू, यहाँ भी हाल पूछना आ गया। तो परमेश्वर ने कहा कि वह संपत्ति तेरी है या मेरी। नरसी बोला या थी तो मेरी दुश्मन या तने अड़प ली। तब परमात्मा बोला नरसी या पहले भी तेरी नहीं थी या मेरी थी। परमात्मा कहते हैं काया तेरी है नहीं माया कहाँ से हो, और चरण कमल में ध्यान रख इन दोनों अनक हो। तो परमात्मा ने दो घंटे उसको प्रवचन किए और कहा भाई मैं साधु संत फकीर हूँ, तेरे हित के लिए तुझे ये ज्ञान और ये लीला मैंने की है, तेरी तो दुश्मन से या माया। अरे क्या इकट्ठे तूने एक नरक इकट्ठा कर रखा है, अपना भविष्य बर्बाद कर लिया उसका, और कुछ दया दाता है कि पिछले संस्कार अंगड़ाई लेते हैं। तब नरसी बोला भगवान अब के बने मेरे थे,
कि भी एक शर्त पर तुझे सारी संपत्ति दे दूंगा, जब तू इसने दान कर दे रहा अपना बोझ हल्का कर ले, पाप कम हो जा तेरे, नितन तो नरक डो दिया बेटा। नो बोला जी एक बार दया कर दो, सारी कर दूंगा कल्याण, इतना खुल गई मेरी। ऐसे ही कर दिया गया। नरसी ने सारा भंडारे कर दिए, गरीबा में बांट दी, यानी वह कती हुर फुर कर दी सारी, जंगल में जाकर बैठ गया और वहां एक झोपड़ी डाल ली, पति पत्नी दोनों रहने लग गए। अब गरीब आदमी के पास कौन आएगा नगर का, 15-16 अंधे थे, अंधे आसपास के उस नगर के सब मिलकर वहां आ जाते, परमात्मा की चर्चा करते, नरसी का दिल डांटते और कहते, नरसी वो साधु संत नहीं था भाई, वो भगवान था और तेरे को तेरी आंख खोल गया। नरसी बोला भाई कति आंख खोल गया, मैं तो नरक डोगू था, ऐ तेरा अगे जो भैया ना मेरा अगे ना पाछे बेटी थी शादी कर दी, ऐ ये सारे जो है ना मेरे कुल के लोग बांटो और गदा में बनो। अब क्या होता है, एक दिन चार संत आ गए और उन्होंने द्वारका जाना था, नरसी से कहा, क्योंकि पहले नरसी का बोलबाला था, उसकी हुंडी चला करती थी, फिर वो हो गया कंगाल, हुंडी उसकी रिजेक्ट होगी, उस लिस्ट से निकाल दिया। वो संत गांव में आए और पूछा भाई नरसी कहाँ है, कि नरसी तो भाई बाहर जंगल में बैठा है, झोपड़ी डाल रखी है। क्या काम था, कि हमने हुंडी बनवानी थी, तो नगर के लोग भी मजाक कराया करें भक्तों के साथ, विशेष कर ये दुर्भाग्य होता है, और अपने नगर के वाले के साथ तो और ज़्यादा। तो उन्होंने मजाक कर दिया कि नरसी भाई हुंडी तो बनावे है पर नखरे करे, आजकल आप वहाँ जाओ नरसी पर हुंडी बनवा लो, लेकिन नटेगा वो जाती ही, पर तुम करड़े हो जाइए जो बनाओगा। अब वो वहाँ गए चारों भक्त, उन्होंने कहा लाला जी हमने द्वारका जाना है, भगवान के वहाँ तीर्थ यात्रा करके आवांगे, 500 रुपये हमारे पास, इनको तू हुंडी बना दे, रस्ते में कोई चोर चुरा ले, बदमाश खोज ले, छीन ले हमारे थे। अब नरसी कहने लगा महात्माओं मैं मेरी हुंडी रिजेक्ट हो चुकी है, अब मैं हुंडी नहीं बना सकता। चारवा की त्योड़ी चढ़ गई, कहने लगे तू सचमुच नगर वाले ठीक ही कह रहे थे, तू आज पहले वाला नरसी नहीं रहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तो साधु संतों के साथ मजाक करता है। अब नरसी भी जान गया कि इनके तो भाई चाबी पर रखी किसी ने, और ये इसे अगर तो ये कैसे मनमानी शराप दे दें। कहने लगे महाराज नाराज ना हो, लाओ 500 रुपये, वो 500 रुपये धरे रखे थे, ले कर कागज कागज लाओ, वो कागज ले आई और लिख दिया, क्योंकि वो श्री कृष्ण का पुजारी था, ये नरसी श्री कृष्ण का पुजारी था, अपुन आत्मा हम भी श्री कृष्ण के पुजारी थे, लेकिन ये पता चला हमारा तो साथी पहले भी वही था, अब तो आंखें खुल गई, रस्त मोतियाबिंद खत्म हो गया हमारा अज्ञान का। तो उसने श्री सांवल सहा नामक सेठ, सांवरिया सेठ यानी कृष्ण, काला कहो चाहे कृष्ण कहो, कृष्ण माने काला होता है और सांवला माने भी काला होता है, सांवल सहा यानी सांवल सेठ के नाम टू द, जैसे रखा ना उसके नाम हुंडी बनाया कर उसी तरह बना दी, और कह दिया कि आपके 500 रुपये मेरे पास सुरक्षित हैं, आप इन महात्माओं को 500 रुपये प्रदान करने की कृपा कीजिए। साधु संत ले गए उस ड्राफ्ट को लेकर, द्वारका पहुंच गए, उधर से नरसी ने 500 रुपये का भंडारे का सामान मंगा लिया, दाल चीनी चावल आटा नमक मिर्च सब्जी तो सब मिला के और उसका भंडारा कर दिया, भोजन करा दिया भक्तों को, साधु संतों को, गरीबों को। अब वहाँ जब वो पहुँचे चारों संत महात्मा भक्त, उन्होंने वहाँ पूछा द्वारका नगरी में जाकर कि भी यहाँ कोई सावल नाम का सेठ है, सावल नाम का कोई सेठ तो नहीं है, पर काम क्या है आपका, कि हमने हुंडी कैश करानी थी, किसकी बनाई हुई है,
उन्होंने बता दिया कि वो सामने एक हुंडी उसकी चलती है, उसके पास जाओ। वो सेठ के पास गए, उस सेठ ने देखा कि ये तो नरसी की हुंडी है।